दे रही है। अरे मैंने तो तेरे को कहा था। आ इतने बहुत अच्छी करो ना। हटो हटो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं एंड मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं। और प्लीज़ हम लोग को दुआओं में याद रखिएगा। हम भी माशाल्लाह आप सभी की खैरियत की दुआएं करते हैं। और ये देखिए बच्चे एज़ यूज़ुअल हमेशा की तरह इतना ज़्यादा खेल रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि घर ही घर में कैसे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि बाहर ऐसी बारिश हो रही कि बच्चों को बाहर बिल्कुल नहीं निकाल सकते। मौसम बहुत ख़राब है, तो सोचिए बच्चे घर में ही अंदर खेल ले रहे हैं क्योंकि बेड है काफ़ी बड़ा, सो बेड में ही वो इंजॉय कर ले रहे हैं, खेल ले रहे हैं इतने अच्छे से। और ये गद्दे वगैरह से उन्होंने कार वगैरह और पता नहीं कौन कौन सी डिज़ाइन बना के खेले हैं। आप सोच रहे होंगे गंदा पड़ा नहीं है, उन लोगों ने ही निकाल के और इसमें क्या क्या बना के और अजीब अजीब से खेल खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। सो चलो बच्चे खेल तो रहे हैं, इंजॉय तो कर रहे हैं घर में। और देखिए पूरे एक साथ मिल के कितने अच्छे से खेल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं बड़ा छोटा। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग मिलके खेल रहे हैं। बच्चों का इंजॉय तो आप देख ही रहे हैं और भी वीडियो में देखे हैं कितना ज़्यादा मस्ती इंजॉय हो रहा है बच्चों का। अब मैं ले चलती हूँ किचन में, ये रहा मटन, तो इसकी बिरयानी बन रही है आज। आज तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है, वो भी बाजी के हाथों का। वो मैंने आपको बताया भी था कि हाथों में एक होता है ना कला, कि वही चीज़ कोई और बना रहा है, वही चीज़ कोई और, तो दोनों का अलग अलग टेस्ट क्यों, क्योंकि एक अलग अलग बनाने का तरीका। वैसे ही सेम बाजी जो बनाती हैं उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि आपसे क्या बताऊँ, हर बार का है। और ये रही बालकनी, सो ये देखिए तुलसी का पत्ता लगा है। सो अभी मैं नज्जू को देती हूँ लौकी का जूस, तो यहीं से तुलसी के पत्ता, क्योंकि इतने दिन से मिला नहीं तो बाजी के घर था, तो यहीं से तोड़ के दे रही हूँ। नज्जू ने एक दिन भी गैप नहीं किए, लौकी का जूस पीते ही है, कहीं भी गए हैं तो उनको काफ़ी आराम है, रिलैक्स है। और ये है आंटी, जो कि हादी बिल्कुल बड़ा वाला बेटा बिल्कुल छोटा था तब से लगी, सोची आज तक यही काम कर रही, कितनी बड़ी बात है कि वो कितना बड़ा हो चुका है। आयशा हो गई है, साकिब हो गया है, और देखिए अभी भी। और ये पीछे का जो दिखा रही हूँ ये बाजी भाईजान की ही ज़मीन है, सो इसमें कुछ बनाएंगे उन लोग बाद में इंशाल्लाह, देखो जब भी बनाए कोरोना वगैरह ख़त्म हो। और ये इतने अच्छे से काम करती हैं सफाई से, और हमेशा हम लोग को तो जानने लगी, नाइमा के साथ खेलती है, उसको बहुत पसंद करती हैं, और मुझे भी हमेशा उनको जब भी आती देखती खुशी होती कि हर बार आओ तो मिल जाती हैं, और इतने अच्छे से बात करती हैं हम लोग से बहुत अच्छे से बात करती हैं। और नज्जू शेविंग कर रहे हैं, सो सुबह उठे हैं तो बाजी जिसमें अपने आप को निहारती वहीं आके, और वही मिरर में के नज्जू अपना सेविंग बना रहे हैं। और आंटी का काम हो चुका है सब, अब वो सफाई वगैरह करेंगी और फिर घर चली जाएंगी। सो मैं आगे दिखाती रहूँगी आपको क्या क्या हो रहा है। ये देखिए ये, और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ क्या हो रहा है कि दोनों भाई बहन बड़े मज़े से बातें कर रहे हैं। सो मैं आपसे उनकी बातें नहीं शेयर करूँगी, मतलब नॉर्मली नेचुरल बातें हैं, दोनों भाई बहन कर रहे हैं इतने अच्छे से। और लेकिन क्या है, एक्स्ट्रा खर 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 इतना ज़्यादा हो रहा था, नहीं तो मैं ओरिजिनल वॉइस रखती, आप लोग को सुनाई नहीं देगा कि क्या बात कर रहा है, इसलिए मैंने नहीं रखी। खर खर बहुत हो रहा था क्योंकि खाना वगैरह बन रहा था। ये देखिए बिरयानी रेडी हो रही है, तो इतने अच्छे से दोनों बात कर रहे थे। हमेशा होता है कि रिलैक्स ऐसे सुबह सुबह उठते हैं, कुछ ऐसी बातें रहती हैं, तो कहीं की भी कुछ भी दोनों भाई बहन इतने अच्छे से बात करते हैं, ये भी और बाजी दोनों, क्योंकि सवाना बाजी इनसे बड़ी हैं। पहले भाईजान हैं, साहिन बाजी हैं, फिर सवाना बाजी हैं, और फिर ये नज्जू हैं, इन लोग दो भाई बहन हैं।
और ये देखिए, ये तो इतने अच्छे से दोनों बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। होता है ना, जैसे मैं भी अपने घर जाती हूँ, मैं अपने भाई से एकदम चटपट लगी रहती हूँ इधर उधर की, वैसी बाजी बात कर रही हूँ बड़े उससे भाई से। ये देखिए, ये बिरयानी दम पे है, पूरा सब डाल दिए हैं, बस पकने मतलब पक के रेडी होना है। बस बिरयानी तो रेडी हो रही है, अब सलाद मैं रेडी कर देती हूँ। चले, हो गए काम? चलो, हो गया काम? फिर कल आओगे? शाम के। अच्छा, शाम को आओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।